कि डॉक्टर अंबेडकर, इस देश का संविधान लिखकर आपने देश पर इतने उपकार किए हैं। ये देश जब तक आसमान में चांद और सूरज रहेगा, ये देश आपके उपकारों को भूल नहीं पाएगा। ये बाबू राजा जी है, उनके डिपार्टमेंट का कार्यक्रम रहता है वहाँ पर हर साल। रामदास जी आठवले और भी तीन चार राज्य मंत्री है सामाजिक न्याय विभाग के, कोई तो आना चाहिए था ना वहाँ पर। मुलायम सिंह जी, हम सातवें ही लोकसभा में थे, 12वीं लोकसभा में सातवें थे मुलायम सिंह, हम सातवें। मोदी जी आए थे इंदू मिल पर बाबा साहब का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक की न्यू रखने के लिए, तो सभा में उन्होंने कहा था कि बाबा साहब आज जो कुछ भी मैं हूँ तो बाबा साहब की वजह से हूँ। बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखते तो मेरे जैसा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। ये मोदी जी ने कहा। जय भीम नमो बुधाए साथियों, सर्वप्रथम पूरे विश्व को हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 123वीं जयंती पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और साथियों, आज है हम सम्राट अशोक बौद्ध विहार में, जहां पर मेरे साथ में एक ऐसी हस्ती है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता को निभाते हुए मैं उनका थोड़ा सा परिचय जरूर कराना चाहूंगी। मेरे साथ में प्रोफेसर जोगिंदर कबाड़े जी, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान भी अभी वो कई पदों पर आसीन है। तो आइए जानते हैं और उन्हीं से चर्चा करते हैं कि आज सम्राट अशोक बौद्ध विहार में आने का उनका क्या उद्देश्य था। सर नमस्कार और आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। सबसे पहले तो नीलम जी, विश्वभूषण राष्ट्र निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जन्म जयंती के अवसर पर आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। हर साल मैं 14 अप्रैल को पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट के अंदर में जो बाबा साहब की प्रतिमा है, उस फंक्शन में हमेशा सम्मिलित होता हूँ अभिवादन करने के लिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पिछले साल कोरोना के महामारी की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से पिछले साल नहीं आ सका। इस साल भी कोरोना की महामारी है, इसके बावजूद मैं सुबह 9 बजे पार्लियामेंट गया, बाबा साहब के प्रतिमा को अभिवादन किया, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखकर दुर्भाग्य दुख इस बात का हुआ, इस प्रकार आज के बाबा साहब के 130वें जयंती अवसर पर केंद्र सरकार ने छुट्टी घोषित की है। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया पार्लियामेंट में बाबा साहब के प्रतिमा के सामने, तो किसी प्रकार का आयोजन वहाँ नहीं था। कोई भी VIP बाबा साहब को 9 बजे तक प्रणाम करने के लिए, अभिवादन करने के लिए वहाँ पहुँचा नहीं था। ये देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कम से कम सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री थावर सिंह गहलोत जी है, राज्य मंत्री रामदास जी आठवले है, कम से इन्होंने तो आना चाहिए था ना। जी बिल्कुल। फिर कोई भी वहाँ दिखा नहीं, वहाँ पर सुनसान था बिल्कुल, मैं अकेला। हर साल के मुताबिक मेरी परंपरा है कि 14 अप्रैल को मैं कहीं भी रहूँगा देश के अंदर में, तो 14 अप्रैल को पार्लियामेंट में बाबा साहब के प्रतिमा को अभिवादन करने के लिए पहुँच ही जाता हूँ। उसी परंपरा के तहत आज मैं पार्लियामेंट में गया, बाबा साहब के प्रतिमा को अभिवादन किया, श्रद्धा समर्पित की। और इस कारण हमारे अशोक साहब वानखेड़े, जो सम्राट ज्वालापुरी के सम्राट अशोक बुद्ध विहार के संस्थापक निर्माता है, हमारे पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है और जाने माने दिल्ली के सामाजिक नेता और कार्यकर्ता भी है, उन्होंने बड़े कष्ट झेलकर, सभी का सहयोग लेकर एक सुंदर बहुमंजिला बुद्ध विहार का निर्माण यहाँ पर किया है। उनको बधाई देने के लिए और बाबा साहब के जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर इस बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध के मूर्ति की प्रतिष्ठापना का समारोह उन्होंने रखा था। उस भगवान बुद्ध के मूर्ति की प्रतिष्ठापना करने के हेतु मैं यहाँ पर पहुँचा और कोरोना के सभी नियमों का पालन करके, चाहे वो मास्क लगाना हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, मैं उसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहता, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग तो हज़ार वर्षों से बर्दाश्त करते ही आए हैं,
फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, हाथ धोना हो, इन सारे नियमों को पालन करते हुए यहाँ पर एक सिलेक्टेड लोगों के बीच में सम्राट अशोक बुद्ध विहार के इस विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई मेरे हाथों। काफ़ी माताएं बहनें हमारे बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, यहाँ के हमारे शौकीन विधायक जी थे, हमारे राठौड़ जी थे पूर्व निगम पार्षद, भाजपा के नेता भी यहाँ पर थे, सभी लोग यहाँ पर थे। उनके उपस्थिति में भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना मेरे हाथों कराई गई। आज के इस अवसर पर इतनी बात कहना चाहता हूँ मैं, हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश के लोग आज भी बाबा साहब की महत्ता को समझ नहीं सके। संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, जो अवसर बाबा साहब को मिला, यह अवसर का बाबा साहब ने सोना करके दिखाया, और मेरा देश भी सोने जैसा बनना चाहिए। सोना आग में तप कर और भी ज़्यादा निखर जाता है। हज़ारों वर्षों के जाति धर्म भेद अन्याय अत्याचार जुल्म गुलामी के आग में तप कर हमारे देश की जनता सोने जैसे तप कर बाहर निकले, ये बाबा साहब के संविधान का सपना था। दुर्भाग्य से इस देश की जनता को बाबा साहब की इस महानता को पहचान नहीं, 70 साल के बाद भी पहचान नहीं सके, और इसलिए बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, कई आरक्षण का विरोध किया जाता है, कई ठिकानों में बाबा साहब के प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है, जलाया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बाबा साहब के संविधान पर हमारा देश चलता है, हमारे देश का कानून चलता है, उसी देश की सरकार दिल्ली में है, मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, और दिल्ली के सरकार के नाक के नीचे जो बाबा साहब मुंबई में मोदी जी आए थे इंदू मिल पर बाबा साहब का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक की नींव रखने के लिए, तो सभामों ने कहा था कि बाबा साहब आज जो कुछ भी मैं हूँ तो बाबा साहब की वजह से हूँ, बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखते तो मेरे जैसा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, ये मोदी जी ने कहा जी। और मोदी जी के नाक के नीचे जंतर मंतर पर बाबा साहब के संविधान को जलाया जाता, मोदी जी कुछ नहीं कहते। ये दोगलापन हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जो दिखाई देती है, सामाजिक व्यवस्था में दिखाई देती है, इससे हमें बड़ा अफसोस और बड़ा दुख होता है। जोगिंदर जी, मैं एक सवाल भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि आज बाबा साहब की जयंती भी है, और जैसा कि आपने अभी अवगत कराया कि अगर हम भारत की राजनीतिक सत्ता की बात करें तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, चाहे वो एक गरीब है या अमीर है या किसी भी धर्म जाति से आता है, अगर उसको पार्लियामेंट में जाने का एक अधिकार मिला है तो वो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से मिला है। लेकिन आज वही लोग जो सत्ता पर काबिज है, जो बाबा साहब के संविधान के तहत इस देश के प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने, लेकिन आज वो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं कि बाबा साहब के नाम को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम करते हैं, उसको लोगों से छुपाने का काम करते हैं। क्योंकि आज भारत में जो हम बाबा साहब का नाम लेते हैं वो केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर लिया जाता है, क्योंकि बाबा साहब विश्व स्तर पर एक ऐसी विभूति रहे हैं जो आज भी सूरज की तरह चमकते हैं। लेकिन विडंबना है कि इस देश में और इस देश की सत्ता पर बैठे लोग ही उनकी अनदेखी करते नजर आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, लेकिन सूरज कभी बूझता नहीं है। बाबा साहब उस सूरज की तरह है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ कवि लोगों ने, कुछ विचारवंत लोगों ने बाबा साहब को सूर्य की उपमा दी, सूरज की उपमा दी। किसी ने कहा प्रज्ञा सूरज कहा बाबा साहब को, किसी ने धम्म सूर्य कहा बाबा साहब को, किसी ने समता का सूर्य कहा बाबा साहब को, ने क्रांति सूर्य कहा बाबा साहब को। लेकिन बाबा साहब ने सूरज को क्या कहा? बाबा साहब ने आसमान में चमकने वाले सूर्य से कहा, ऐ सूरज तू वहाँ का सूरज है, मैं यहाँ का सूरज हूँ। ऐ सूरज तू वहाँ का सूरज है, मैं यहाँ का सूरज हूँ। आ हम समझौता कर लें, तू आसमान के तारों को प्रकाशित कर, मैं देश के 130 करोड़ लोगों को समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से प्रकाशित करूँगा। ये विश्व पुरुष होने के बाद भी आज बाबा साहब के संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, अगर बाबा साहब का संविधान ईमानदारी के साथ लागू होता
आज देश में जो अफरा तफरी मची हुई है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बड़े छोटे के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है वो यहाँ पर नहीं होता। और सच में सम्राट अशोक के काल में, बुद्ध के काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर वही बाबा साहब के संविधान को अगर ईमानदारी के साथ सत्ताधारियों ने लागू किया होता हमारे देश भी सोने की चिड़िया बन जाती, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हो नहीं सका। आज भी बाबा साहब के ताप तो सभी करते हैं, जो आरएसएस के नियंत्रण में बीजेपी और उनकी सरकार चल रही है वो भी बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनका भी गौरव करते हैं। लेकिन बाबा जो जिस मोदी जी ने कहा था कि बाबा साहब के संविधान नहीं होता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, वही आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ब्राह्मणवादी शक्तियाँ, मनुवादी शक्तियाँ बाबा साहब के संविधान को नष्ट करने की साजिश कर रहे हैं किसी न किसी बहाने। यानी संविधान को क्या कहते हैं उसको, निष्क्रिय करने की कोशिश की गई। अभी मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में पार्लियामेंट के बाजू में नई संसद भवन बनाया जा रहा है, आज उधर से आया देखा मैंने वहाँ पर। संविधान बदलने की बात, नया संसद भवन बनाने की बात, इसका तालमेल देखिए आप क्या होता है। तो कहीं नया संविधान, नया संसद भवन बनकर नया मनुवादी संविधान लागू करने की साजिश तो नहीं है ना, ऐसा एक ऐसी शंका हमारे मन में पैदा होती है। लेकिन कितना भी हो जाए, इस देश में, देश के राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब ने योगदान दिया है वो हम कभी भूल नहीं सकते। संविधान जब बाबा साहब ने दिया राष्ट्रपति भवन में, देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में जब दिया, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर, इस देश का संविधान लिखकर आपने देश पर इतने उपकार किए हैं, ये देश जब तक आसमान में चांद और सूरज रहेगा ये देश आपके उपकारों को भूल नहीं पाएगा, ये बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। उसी संविधान को हटाने, मिटाने, नष्ट करने की साजिश ब्राह्मणवादियों द्वारा, आरएसएस द्वारा देश में की जा रही है। लेकिन हमारे देश का दलित, पीड़ित, शोषित आज जो भी है, बहुजन समाज है, माइनॉरिटीज़ है, उनको विश्वास है, उनके वजह से आज ये सब खुशहाल है। बाबा साहब के संविधान के वजह से ही ये आज सम्मान के साथ जी रहे हैं। तो फिर उनको इस देश में ब्राह्मणवादियों का गुलाम बनाने की साजिश जो चल रही है, इस साजिश को हमारे तमाम लोग मिलकर उसको निश्चित रूप उध्वस्त कर देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जोगिंदर जी, अभी दो दिन पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी बबल मचा था जब उत्तर प्रदेश के जो पूर्व सीएम है अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हम आने वाली 14 तारीख को जो कि बाबा साहब की जयंती है इसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन उस बाबा साहब की जयंती को उन्होंने नाम दिया दलित दिवाली। तो आप किस तरह से इस शब्द को देखते हैं कि एक पूर्व सीएम रहने के नाते और उन्होंने बाबा साहब की जो जयंती है वो इतने बड़े स्तर पर मनाई जाती है लेकिन उसको कहीं ना कहीं संकुचित कर एक दलित जी, आपके अखिलेश जी यादव, मुलायम सिंह जी, हम साथ में ही लोकसभा में थे, 12वीं लोकसभा में साथ में थी मुलायम, हम साथ में रहते थे, लालू जी, मुलायम जी, मैं, उनके बाद में अखिलेश जी ने कमान संभाली, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री भी बने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती बड़े धूमधाम से मनाने की ऐलान उन्होंने किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ऐलान का दलितों के सीमित रखा जी। क्योंकि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि अंबेडकर ये केवल दलितों के नेता नहीं थे, सारे देश के नेता थे। इस बात को अगर आप मानते हैं तो केवल बाबा साहब का जन्मोत्सव, दलित जन्मोत्सव मनाने की ये बड़ी भूल अखिलेश यादव ने की है जी। उसको उन्हीं के साथ साथ में उन्होंने जब काफ़ी लोगों ने इस
के जो ट्वीट था उस पर रिएक्शन किया, क्योंकि बहुजन समाज का बहुत भारी तबका निकल कर आया और अखिलेश के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोला उन्होंने ट्वीट करके। लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर वही उनकी एक स्टेटमेंट और आती है, उन्होंने जिस तरह से आरएसएस में दुर्गा वाहिनी चलती है उसी की तर्ज पर उन्होंने बाबा साहब वाहिनी का भी निर्माण कर डाला, जिसमें कि उन्होंने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं या जितने भी छोटे छोटे शहर हैं उसमें जाकर समाजवादी पार्टी की बाबा साहब भीमराव वाहिनी की तरह पूरे देश में अंबेडकर जयंती मनाने का काम करेगी। तो इस ये जैसे अलग अलग पार्टियों की अलग अलग ये वाहिनी वगैरह तो आरएसएस की पैदाइश है। बाबा साहब के विचारों को उत्तर प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाहिनी अगर वो बनाते हैं अच्छी बात है, उनको एक तो समाज में प्रबोधन भी होगा, जो एक दूसरे के खिलाफ की जो भावनाएं हैं, विरोध है, जाति में विरोध है, भेदभाव है, उसको कम करने की कोशिश ये वाहिनी की तरफ होगी। तो इससे तो कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के रूप में अगर वो उत्तर प्रदेश के जन और देश में भी जहाँ भी उनकी पार्टियाँ होगी जन जन तक पहुँचाने काम करते हैं, इसलिए तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन बाबा साहब के जयंती को वो दलित महोत्सव के नाम से अगर वो करते हैं तो ये। लेकिन जोगिंदर जी अभी 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या आपको ये नहीं लगता कि अखिलेश का जो एक तरह से ये कार्ड खेला गया है बाबा साहब वाहिनी बनाकर कहीं ना कहीं उसकी तरफ संकेत कर रहा है? बाबा साहब के विचारों को नहीं मानने वाली पार्टी अभी बाबा साहब का नाम लिए बगैर राजनीति नहीं करती जी। अखिलेश भी अपनी राजनीति कर रहा है बाबा साहब का नाम लेकर, तो करने दीजिए। मायावती जी भी कर रही है, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले कर रहे हैं, आए क्या ख्याल में। तो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हर पार्टियाँ कुछ ना कुछ शगुफे छोड़ती है, अखिलेश ने भी किया। लेकिन इस तरह के जो सगुफे छोड़े जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को भ्रमित भी करते हैं, और जो एक उद्देश्य है जिस सपने के लिए बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी कि मेरा बहुजन समाज देश की सत्ता पर काबिज हो, तो कहीं ना कहीं वो उससे भटकता हुआ नजर नहीं आएगा? तो बहुजन समाज की समझ की बात है, मित्र कौन, दुश्मन कौन, दोस्त कौन, दुश्मन कौन, ये समझने की कुवत जब तक हमारे समाज में नहीं आती या बहुजन समाज में नहीं आती तब तक ये खेल चलता रहेगा। जिस दिन हमारा ये बहुजन समाज दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, जिस दिन इस बात को समझ जाए कि हमारे दोस्त कौन और दुश्मन कौन है, इस बात को अगर समझ ले तो फिर किसी प्रकार के शगु पे यहाँ पर नहीं चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये बात तो अक्सर बाबा साहब भी कहते थे कि मैं शिक्षित उस व्यक्ति को मानता हूँ जो अपने दुश्मन की पहचान रखता हो। तो इसी कड़ी में मैं अक्सर आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगी कि आज जिस तरह से देश के माहौल हैं और जिस तरह से राजनीति, चाहे राजनीतिक कोई भी दल हो वो कर रहा है, और उसको आज एक ज़रूरत पड़ गई है बाबा साहब के नाम लेने की, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम बहुजन समाज के लोगों को भी देखते हैं कि वो सिर्फ बाबा साहब की जय जयकार करते तो नजर आते लेकिन उनके बताए हुए जो रास्ते हैं या उनके द्वारा बताए हुए जो मार्ग है उनका अनुसरण करके आगे बढ़ने का काम नहीं करते। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर बहुजन समाज के लोगों को? हमेशा कहते थे मुझे सर पे लेने के बजाय दिमाग में लीजिए, है क्या ख्याल में। जिस दिन सर से उतार कर बाबा साहब दिलो दिमाग में बैठ जाएंगे उस दिन बाबा साहब के समतामूलक भारतीय समाज का और राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए मैं बाबा साहब को राष्ट्र निर्माता कहता हूँ जी। हर बात उन्होंने देश के हित में की है, आरक्षण दिया देश के हित में दिया, जाति के हित में नहीं दिया, आरक्षण देश के हित में दिया। बाबा साहब ने जो कुछ भी काम किया वो देश के हित में किया, देश का नवनिर्माण करने के लिए दिया। चूँकि हमारे राजनेता इस बात को समझ नहीं पा रहे, वो केवल राजनीतिक दृष्टि से बाबा साहब के विचारों का शोषण करना चाहते हैं, बाबा साहब के नाम का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात है कि बाबा साहब का समाज, मैं बाबा साहब का समाज दलित समाज नहीं मानता। भारत का जो भी दबा कुचला पिछड़ा माइनॉरिटीज़ है, दलित है, आदिवासी है और ओबीसी, ये सब मिलकर एक समाज बनता है, ये सब मिलकर एक बहुजन समाज बनता है। लेकिन बहुजन समाज में अभी तक ये जागृति नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ना आपसे कि जिस दिन हमारे देश के लोग या बहुजन समाज समझ ले कि हमारा दोस्त कौन और दुश्मन कौन, इस बात को बाबा साहब के विचारों के साथ जोड़कर समझ ले तो निश्चित रूप से बाबा साहब का अपेक्षित जो एक संघ भारतीय समाज का निर्माण
भारत को फिर से सोनी की चिड़िया बनाने का जो बाबा साहब का सपना था वो निश्चित रूप से सपना होगा और बहुजन समाज की सत्ता का भी साबित होगी। जिस दिन हमारा बहुजन समाज को अकल आएगी उस दिन बाबा साहब का हमारे ये बहुजन समाज भी इस देश का सत्ताधारी बनेगा। ये जब तक नहीं होता तब तक तो ये टुकड़े में बटा हुआ है, कभी समाजवादी में जा रहा है, कहीं बहुजन समाज पार्टी में, कहीं रिपब्लिक में जा रहा है, कहीं कांग्रेस में, बीजेपी में भी जा रहे हैं। अब रामदास जी ऑटो बीजेपी के साथ में। अब मुझे बताइए आप, बाबा साहब का आज 130वां जन्म जयंती का कार्यक्रम था पार्लियामेंट के अंदर, हर साल प्रोग्राम होता है, ठीक है। सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत जी है, उनके डिपार्टमेंट का कार्यक्रम रहता है वहाँ पर हर साल, रामदास जी आठौले और भी तीन चार राज्य मंत्री है सामाजिक न्याय विभाग के, कोई तो आना चाहिए था ना वहाँ पर, आज कोई नहीं दिखा। तो जिनके बदौलत, जिनके मेहरबानी से, रहम कर्मों से आप बड़े अहदे पर पहुँचे, आप उन्हीं को आज के इस 130वें जन्म जयंती के दिन में भूल जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। काम अनेक हो गया आपको, आपके कोई प्रतिनिधि भिजवा देते हैं, राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि आ जाता, हमारे प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि आ जाता, अरे गैरे के प्रोग्राम में जाने का समय इनको मिलता है। और बाबा साहब जो राष्ट्र पुरुष है, जिसने कहा था देखिए राष्ट्रवाद की दीक्षा अगर बाबा साहब ने दी है, मैं आई एम फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट ऑल्सो आई एम इंडियन, मैं प्रथम भारतीय हूँ अंततः भी भारतीय हूँ, इससे बड़ा और क्या चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। ये राष्ट्रवाद की दीक्षा ही बाबा साहब ने देश को दी। अब राष्ट्रभक्ति के नाम पर लोग चोर उचक के लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की दीक्षा, देशभक्ति की दीक्षा अगर इस देश को किसी ने दी, एक संघ भारत, भारत की समझ अगर किसी ने दी है, एक संघ भारतीय समाज, शोषण मुक्त, जाति विहीन, शोषण मुक्त, एक संघ भारतीय समाज, शोषण मुक्त भारतीय समाज की संकल्पना अगर किसी ने दी है वो बाबा साहब ने दी है। और इसीलिए हमारे तमाम देश के बहुजन समाज को हमारा ये आह्वान है कि वो अब भी वक्त गया नहीं, 70 साल तो गुजर गए, लेकिन आने वाले दिनों में बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए, देश की सत्ताधारी जमात बनने के लिए हम एकजुट से काम करें, यही मेरा आह्वान सबसे है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जोगिंदर जी, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि बहुजन समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज हम सभी लोग बाबा साहब की जयकार तो कर लेते हैं लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते और ना ही उनकी बातों को मनोसात करके आगे प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। और जैसा कि अभी जोगिंदर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक बहुजन समाज सत्ता की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसका विकास नहीं होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक